हेलो एवरीबॉडी, लर्निंग टाइम मेरा यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है, खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ट्रिक जिसकी मदद से हम करेंसी क्रोन याद कर सकते हैं विथ वेरी इजी रिमेम्बरिंग ट्रिक, बहुत ही आसान रिमेम्बरिंग ट्रिक के साथ। ट्रिक एक ऐसा सेंटेंस से हम बनाते हैं जिससे वर्ड या सेंटेंस को याद करने से हम बआसानी हार्ड जो नॉलेज है उसे याद कर सकते हैं। मेरी जो पहले जो वीडियोस थी वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें, क्योंकि वो वीडियोस मैंने मुख्तलिफ करेंसीज पे बनाई हुई है जिसमें रुपया है, रुपी करेंसी है, पेसो है, दीनार है। ये तीन करेंसीज पे मैंने पहले तीन वीडियोस बनाई हुई है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें, जिससे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे एनटीएस की हो, चाहे पीटीएस, चाहे ओटीएस, चाहे एफपीएस, चाहे कोई भी टेस्ट हो, उसमें हर टेस्ट में, हर किस्म की टेस्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं करेंसीज के। तो अगर आपने वो नहीं वीडियोज देखी तो आप देख लें, और उस वीडियोस की जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेल कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो करेंसी क्रोन आज के वीडियो है, उसमें हम करेंसी क्रोन जिस कंट्रीज की है, चाहे क्रोन की स्पेलिंग ये हो या क्रोन या क्रोना वाट एवर, यानी हम इसे सिर्फ एक क्रोन नाम से पुकार सकते हैं राइटली इजी वे में। तो इस करेंसी को याद करने की ट्रिक आज बनाई है, ट्रिक है जो आपके साथ शेयर करते हैं। सी डी सिंह ये एक सेंटेंस है, एक क्या है, सेंटेंस है, इसको याद करना है बस। इस सेंटेंस सी डी सिंह को याद कर लिया आपने और फिर आप समझिए कि आपको क्रोन जो करेंसी है वो आपको याद हो जाएगी किन किन कंट्रीज की है। तो कैसे याद होगी वो हम जब इसको डिफाइन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कौन कौन सी कंट्रीज की है। ओके, तो एक्सप्लेन करता हूँ इस ट्रिक को। सबसे पहले जो वर्ड है सी डी सिंह एक पूरी ट्रिक है। इसमें सबसे पहले सी डी है, उसको हम डिफाइन करते हैं सी से है जीच रिपब्लिक। ओके, सी से है जीच रिपब्लिक, एक कंट्री है, उसका जो है करेंसी वो है जीच क्रोना, यानी क्रोन क्रोना सेम ही है बस, आपने ये याद करना है जीच रिपब्लिक क्रोना। सी से क्या हुआ, जीच रिपब्लिक के कंट्री है, उसका क्रोना करेंसी है। ओके, तो नेक्स्ट है डी से है डेनमार्क के कंट्री है, जिसका जो जिसकी करेंसी है वो डेमोश क्रोन है। ओके, आप जस्ट क्रोन याद कर लें ये काफ़ी है। देखो सी डी से हमने दो कंट्रीज याद कर ली बआसानी, और हमें पता भी चल गया कि सी से जीच रिपब्लिक है और डी से डेनमार्क है। सी डी यानी दो कंट्रीज आ गए, जीच रिपब्लिक और डेनमार्क, ये इन दोनों कंट्रीज का जो है करेंसी है वो क्रोन है। ओके, आगे चलते हैं सिंग से एस से है स्वीडन, स्वीडिश क्रोन, इसकी जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोन है। ओके, और ये कंट्री है वो स्वीडन है। उसके बाद है आइसलैंड, आइसलैंड क्रोना। ओके, ये करेंसी है इसकी, और उसके बाद है एन से नॉर्वे हो गया, नॉर्वेन क्रोना क्रोन। ओके, इसकी करेंसी है नॉर्वे की, नॉर्वेन क्रोन। उसके बाद है जी से है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है। ओके, देखो हमने बआसानी से इस वर्ड को डिफाइन किया और इस वर्ड के मदद से हमने ये चारों कंट्री याद कर लिए जिसकी करेंसी है क्रोन है। देखो इसकी भी क्रोन है, स्वीडन की, आइसलैंड की, नॉर्वे की, ग्रीनलैंड, इन चारों कंट्रीज का जो करेंसी है वो क्रोन है। बआसानी हम याद कर लेंगे इस ऐसी ट्रिक्स बनाते हैं जिसे भी याद करना होता है डिफिकल्ट नॉलेज, उससे आप ऐसी ट्रिक्स बनाएं फिर याद करें, रट्टा मत मारें। वो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं, हम दिमाग उसे सेव नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो आप ऐसी ट्रिक्स बनाएं,
और इसे याद करने की कोशिश करें तो आप बआसानी चेज करेंगे कर लेंगे। तो इसको रिवाइंड करते हैं, जो है ट्रिक है सी डी सिंग, सी फिर डी एस आई एन जी, एस से सी से क्या हुआ जीच रिपब्लिक, डी से क्या हुआ डेनमार्क, एस से स्वीडन, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे और जी से ग्रीनलैंड। और इन सब कंट्रीज का जो है करेंसी सिर्फ क्रोन ही है, क्रोन है। ओके, आपने सिर्फ सी डी सिंह याद किया, आपको ये करेंसी याद हो गई क्रोन, आपको कोई टेंशन नहीं, बआसानी आप कर सकते हैं। पहले भी मैंने ऐसे ऐसी आसान ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाई है, वो आप देख लें, अगर नहीं देखी तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक अवेल कर देता हूँ, जिससे आप बआसानी याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, थैंक यू।